का कोई शिकवा नहीं है, हमें हमारे राज्य जाने की अनुमति दे, बस हमें सरकार से कुछ नहीं चाहिए, यही जनता की आवाज है। बरेली, सूरत, यूपी, बिहार वालों की आवाज है ये। पुलिस है तो डंडे चार्ज कर रही है, गरीबों मजदूरों को सब फंसा के रखा हुआ है यहाँ गुजरात में। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। ब्रांडिंग और मार्केटिंग के धरातल पर टिका गुजरात के मोदी मॉडल की चर्चा कल मैंने एक वीडियो में आपसे की थी। आज दोबारा उस मॉडल की चर्चा इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि उसी मॉडल का एक बेहद शर्मनाक पहलू, बेहद शर्मनाक वीडियो मेरे हाथ में लगा है। वो वीडियो, उस पहलू के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटे से देश हंगरी की चर्चा कर लेता हूँ। बेहद छोटा देश है, 4 अप्रैल 2020 को कोरोना महामारी का बहाना बनाते हुए वहां लोकतंत्र खत्म की कर दिया गया। वहां की संसद में एक बिल पारित किया गया कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए अब इस देश में जो प्रधानमंत्री हैं विक्टर ओरवन, वही बने रहेंगे जब तक कि वहां चुनाव नहीं होते हैं। उस बिल में आपातकाल का तो जिक्र है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि आपातकाल खत्म कब होगा। इसका मतलब कि वहां की सरकार ही अब ये तय करेगी कि आपातकाल खत्म कब होगा। जो नए कानून वहां बनाए गए हैं उनके अनुसार पत्रकार अगर सरकार की मर्जी के बिना कोई खबर पब्लिश कर देती है तो पत्रकारों को 5 साल की सजा होगी। सामान्य इंसान के लिए भी यही क्राइटेरिया रखा गया है। हंगरी में लोकतंत्र खत्म करने की कवायद तकरीबन 1 दशक से चल रही थी, बहाना मिला तो प्रधानमंत्री जी ने लोकतंत्र वहां पर खत्म कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रधानमंत्री हैं विक्टर ओरवन, ये लोकतंत्र की मांग को लेकर ही सत्ता में आए थे। इसका मतलब ये लच्छेदार भाषण दे लेते थे और लोकतंत्र के बचाव के नाम पर ये सत्ता में काबिज हो गए थे। उसके बाद जिस मुद्दे को लेकर ये सत्ता में आए थे उसी मुद्दे को सबसे पहले इन्होंने पूरी तरह से खत्म कर दिया। आप तुलना कर सकते हैं तमाम सारे देशों की जहां पर इस समय कोरोना का संक्रमण चल रहा है। अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाइए कि और कौन से देश हैं जहां लोकतंत्र खत्म करने की कवायद की जा रही है। 4 अप्रैल 2020 को हंगरी में लोकतंत्र खत्म होता है। 12 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चिलुए, भक्त और चिलुए में फर्क होता है। भक्त को तो प्रधानमंत्री डायरेक्ट समझ लेते हैं कि ये मेरे भक्त हैं, टीवी चैनलों में बैठे हुए तमाम सारे लोग, वो उनसे कभी कभार मिल भी लेते हैं, उनको जब समर्थन में लिखते हैं तो उनके नंबर भी बढ़ जाते हैं। लेकिन चुलुए वो होते हैं जो डायरेक्ट उन तक पहुंच नहीं पाते हैं लेकिन भक्तों के मार्फत चमचाई करते रहते हैं। इसी तरह के एक चिलुए हैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, अपने आप को राष्ट्रवादी विचारक लिखते हैं। मैं इसकी ज्यादा जिक्र आपसे नहीं करूंगा क्योंकि इस तरह के लोगों का मकसद ही होता है कि विरोध के कारण ही सही, नफरत के कारण ही सही, कम से कम मैं अपने आकाओं की नजर में आ तो जाऊंगा। 12 अप्रैल 2020 को इसी पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने एक ट्वीट किया। उसने कहा कि 10 वर्षों तक इस देश में अब कोई चुनाव नहीं होना चाहिए क्योंकि कोरोना महामारी के कारण देश में बहुत पैसा खर्च हो रहा है और चुनाव बहुत खर्चीले होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही अब देश में 10 साल तक के लिए प्रधानमंत्री बने रहें। एक तरीके से पत्थर उछाल करके चेक करने की कोशिश की जाती है कि उसकी रिएक्शन क्या आ रही है। हालांकि ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि उसकी बात को गंभीरता से लिया जाए, लेकिन भक्त तो है, चिलुआ तो है, कहीं ना कहीं से उसके दिमाग में ये बात क्लिक की है। हालांकि चोरी की ही बात होगी क्योंकि इस तरह के लोगों की अपनी कोई सोच विचारधारा नहीं होती है। हंगरी में यह हुआ, उसके बाद इस व्यक्ति ने ट्वीट किया तो ये खतरनाक संकेत है क्योंकि अगर इस तरह की मानसिकता धीरे धीरे आगे बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर यह देश सैन्य राष्ट्रवाद की तरफ आगे बढ़ रहा है। डंडे से शासन चलाने की कोशिश की जा रही है, पूरे देश भर में मजदूरों को रोकने की, उनके अधिकारों को खत्म करने की, डंडे से उनको पीटने की जो खबरें सामने आ रही हैं उससे ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि वो गुजरात मॉडल जिसका लोग बखान करते नहीं थकते हैं, वो गुजरात मॉडल पूरी तरीके से फ्लॉप है और डंडे के तंत्र के दम पर पूरे देश में लागू कराने की कोशिश की जा रही है। यही पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ चमचाई में लिखता है कि जो भी देशद्रोही पीएम केयर्स फंड का हिसाब मांग रहा है वो 70 साल की कांग्रेस सरकार से हिसाब क्यों नहीं मांगता। तो सवाल यह है कि जब मजदूरों को डंडे के दम पर पीटा जा रहा है, ये कहने की कोशिश की जा रही है कि देश में कोरोना के नाम पर खर्चा बहुत हो रहा है, मजदूरों से उनके ट्रेन का किराया मांगा जा रहा है। गुजरात मॉडल की एक हकीकत आपको बताऊंगा, वहां एक बीजेपी नेता ने
तमाम सारे मजदूरों से पैसे इकट्ठे करवा लिए, लेकिन जब वो पैसा मांगने गए तो उनको बुरी तरीके से पीटा गया। तो क्यों नहीं देश के लोगों को ये पूछने का अधिकार है कि एक तरफ तो आप कहते हो कि देश में संसाधन भरा पड़ा है, दूसरी तरफ जिस समय देश में कोरोना ने दस्तक ही दी थी उसी समय आप कटोरा लेकर के मांगने आ गए थे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीवी पर आकर के कटोरा फैलाया था और कहा था कि हमें दान दीजिए। तो क्यों नहीं देश के लोगों को यह पूछने का अधिकार है कि जो पैसा उन्होंने दिया था उसको खर्च आखिर आप कहां कर रहे हो। विभिन्न सारे जिलों में मैं देख रहा हूं कि जिला प्रशासन वहां के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके सहयोग से लोगों के पास राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं, कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत प्रशासन भी पहुंचा रहा है, लेकिन बड़े तौर पर लोगों से ही कहा जा रहा है अपने पैसे से मास्क खरीदें, अपने पैसे से सैनिटाइजर खरीदें, मजदूर अपने पैसे से अपने घर चले जाएं, पैसा कलेक्ट करें, निजी वाहन करें, इसके अलावा जब सरकारी ट्रेन मिलेगी उसमें भी उन्हीं से टिकट ले लिया जाए। जब सब लोगों को अपने पैसे ही सब कुछ करना है तो फिर आखिर ये पैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया क्यों है, इसका इस्तेमाल कहां किया जाएगा। निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा महाघोटाला है, लेकिन इसका सवाल पूछने की हिम्मत किसी की नहीं है, क्योंकि जो सवाल पूछेगा उसको इसी तरह के छिलुए लोग राष्ट्रद्रोही साबित करने की कोशिश करेंगे। अब उस गुजरात मॉडल का एक स्याह सच आपको दिखा देता हूं। राजेश वर्मा नाम का एक बीजेपी का छुटवैया नेता है, उसने सूरत में जब मजदूर परेशान हुए तो तमाम मजदूरों को विश्वास में लिया और उन मजदूरों ने आपस में कलेक्ट किए 1,16,000 रुपए। राजेश वर्मा ने ले लिए, उसने कहा कि हम तुम लोगों को पास दिलवाएंगे और तुम्हारे घर जाने की व्यवस्था करेंगे। लेकिन जब वो लोग अपने घर नहीं जा पाए, एक मजदूर उस राजेश वर्मा के घर पर, बगल में आप वीडियो देख रहे हैं, पैसा मांगने गया, उसकी बुरी तरीके से पिटाई की गई। पिटने के बाद झारखंड के उस मजदूर ने जो कहा वो सुन लीजिए। पैसा दिया 1,16,000, तो भी बोलता है अभी पैसा नहीं देंगे, जो करना ही कर जाओ, फिर आप टिकट दो हजार में टिकट बेच रहा है। इसमें मैं विरोध करने गया, उसने सब मिल के हमको राजेश वर्मा ने पटका से लकड़ी से सब बहुत मारा, इतना मारा मेरा शरीर नहीं काम कर रहा था, थर भर फाट दिया। तो राजेश वर्मा बोलता है जो करना कर लो, सबसे ज़्यादा राजेश वर्मा मारा है, सबसे ज़्यादा मारा है, और वो पैसा नहीं दूंगा, मेरे पास सबूत है, उसी दिया है, सब टोकन दिया है 1,16,000 का, उसने पैसा नहीं दे रहा, मांगने गया बहुत। क्या इसीलिए देश में चुनाव बंद हो जाने चाहिए, यही सिस्टम पूरे देश में लागू हो जाए, मजदूरों को पीट पीट करके उनके घरों में ठूंस दिया जाए, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल के लिए प्रधानमंत्री बने रहे। 9 मई यानी कि कल सूरत में प्रवासी मजदूरों की पुलिस के साथ टकराव हुआ, जिसमें 40 मजदूरों को हिरासत में ले लिया गया, लाठीचार्ज किया गया, बुरी तरीके से पीटा गया। ये सारे मजदूर हजीरा में औद्योगिक इकाइयों में काम करते थे, मोरा गांव में रहते थे। जब पुलिस ने इनकी नहीं सुनी, प्रशासन ने इनकी नहीं सुनी, इनके राज्य के मुख्यमंत्रियों ने इनकी नहीं सुनी, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा समेत तमाम सारे राज्यों के मजदूर इकट्ठे हुए और उन्होंने घर जाने की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया। स्वाभाविक है, डंडे का इस्तेमाल किया जाना था, इस्तेमाल किया गया। 4 मई को सूरत में ही 2,000 के करीब मजदूरों पर हिंसा फैलाने का आरोप लगाते हुए उनके ऊपर FIR दर्ज की गई, उनमें से 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 4 मई को जो घटना हुई थी वहां पर सूरत पुलिस का कहना था कि 300 से ज्यादा मजदूर हिंसा में शामिल थे, उन मजदूरों को हिंसक भी बताया जाने लगा, यह भी कहा जाने लगा पुलिस की तरफ से कि वो पुलिस पर एसिड की बोतलें फेंक रहे थे। याद है इसी तरह के आरोप एक खास समुदाय विशेष पर लगाए जाते हैं। नजरिया समझ लीजिए कि जैसे ही कोई प्रशासन से टकराव करने की कोशिश करता है उस पर इसी तरह के आरोप लगाए जाते हैं और ये गोदी मीडिया उनको देश विरोधी साबित करने की कोशिश करती है। मजदूरों के जितने भी प्रदर्शन हो रहे हैं उनका कवरेज आप देखिए, दिखाने की कोशिश ये हो रही है कि वो पुलिस वाले जो आपको बताना चाहते हैं आप उनके ऊपर पथराव क्यों कर रहे हैं। 4 मई से पहले 28 अप्रैल, 14 अप्रैल, 10 अप्रैल, ये तमाम सारी तारीखें हैं जो मोदी के गुजरात मॉडल की पोल खोल चुके हैं और उसको पूरे देश भर के सामने नंगा कर चुके हैं, लेकिन हैसियत नहीं है गोदी मीडिया में बैठे हुए लोगों की कि वो गुजरात के मॉडल का कच्चा सच आप लोगों के सामने ला सकें। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में झांसी और जालौन के बीच में एक बॉर्डर है, यानी कि झांसी जिले से जो मजदूर जालौन की तरफ आ रहे थे वो तमाम सारे प्रदेशों के थे, पैदल चल के आ रहे थे, कुछ ट्रकों से आ रहे थे, उनको रोका गया, उन लोगों ने आरोप लगाया कि BIP गाड़ियों को जाने दे रहे हो, मजदूरों को उनके घर क्यों नहीं जाने दे रहे हो।
पुलिस से उनकी झड़प हुई। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में दो बॉर्डर हैं, एक तो दाहोद का बॉर्डर जो गुजरात सीमा से लगा हुआ है, एक है झाबुआ का बॉर्डर। इन दोनों बॉर्डरों पर तकरीबन हर दिन पुलिस से मजदूरों की झड़प की खबरें सामने आती हैं, क्योंकि मजदूर परेशान हो चुका है, उसके पास खाने को नहीं है, तो वो बौखलाहट में इस तरह की चीजों को अंजाम दे रहा है। तमिलनाडु के तिरुपुर में मजदूरों ने एसपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया, अहमदाबाद में कलेक्ट्रेट के बाहर हजारों मजदूर इकट्ठे हो गए, प्रदर्शन किया, पुलिस ने डंडा चला दिया। बेंगलुरु में पुलिस व मजदूरों में टकराव हुआ, कई गाड़ियां तोड़ी गईं, 1000 के करीब मजदूर इकट्ठे हुए, उनको आश्वासन दिया गया हम आपके घर भेज देंगे, तब वो वहां से मौके से हटे। हरियाणा में यमुनानगर में मजदूरों पुलिस में झड़प हुई। हरियाणा में ही मानेसर के पास, जो गुरुग्राम के पास पड़ता है खो गांव, वहां पर पुलिस और मजदूरों के बीच में भयानक झड़प हुई। अकेले एक जगह की बात नहीं है, गुजरात मॉडल यानी कि डंडा तंत्र का मॉडल पूरे देश में धीरे धीरे फैल रहा है। क्या इसीलिए उनके भक्त और चमचे ये कह रहे हैं कि देश में अब चुनाव खत्म कर देने चाहिए और 10 साल के लिए यही व्यक्ति जो तानाशाही के दम पर पूरे देश को हांकना चाहता है, सनकपूर्ण निर्णय समय समय पर लेता रहता है, इसीलिए इस व्यक्ति को 10 साल के लिए बिना चुनाव करे प्रधानमंत्री बना देना चाहिए कि ये लगातार अमीरों को अमीर करता रहे, उनके ऋण माफ करता रहे, बैंकों को कर्जे में डालता रहे, ऐसे अमीरजादों को विदेश भेजने में मदद करता रहे और मजदूरों से कहे कि तुम देश हित में एक वक्त की रोटी बिना खाए रह लो, पैदल चल लो, पैरों में छाले पड़ जाएं, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब कुछ देश हित में है, इसलिए क्योंकि ये बीमारी शुरुआत में अमीरों के माध्यम से देश में फैली थी, इसलिए मजदूरों को लगातार अमीरों को बचाने के लिए सजा दी जाती रही, जो सजा अभी भी चल रही है। मजदूर अगर फॉर्म भरने के लिए लाइन में लगते हैं, उन पर लाठियां चलाई जाती हैं। मजदूर अगर ढूंढने जाते हैं, हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्रियों ने कौन कौन सी वेबसाइट लॉन्च कर दी हैं, जब वो फॉर्म भरवाने के लिए ढूंढते हैं कि कहीं कंप्यूटर सेंटर मिल जाए, तो उन पर लाठी डंडे चला दिए जाते हैं। मान लीजिए किसी भी तरीके से उन लोगों ने फॉर्म भर भी लिया, तो अब सवाल ये कि आखिर हमारे पास मैसेज कब तक आएगा। इसी उकलाहट में वो घर से बाहर निकल रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। एक उदाहरण आपको बताता हूं, झारखंड में एक जगह है बंसीधर नगर, वहां का अधौरी गांव, सूरत से 9 मजदूर उस गांव में पहुंचे थे, किसी ने सूचना दी कि सूरत से 9 मजदूर आए हैं, इनको क्वारंटीन नहीं किया गया है। पुलिस टीम पहुंची, पूरा गांव एकजुट हो गया, क्योंकि अब प्रशासन के प्रति लोगों को एतबार नहीं रहा, लोगों का गुस्सा धीरे धीरे फूट रहा है, पनप रहा है, इस वजह से पूरे गांव के लोगों ने पुलिस को दौड़ा लिया। इसके बाद पुलिस बल का इस्तेमाल करते हुए उन 9 मजदूरों को उस गांव से निकाल करके क्वारंटीन सेंटर में भेजा गया। सोचिए कि मैंने तमाम सारी जो झड़प की खबरें बताई, इस तरह की खबर बताई कि जहां पर मजदूरों को लेने स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस के लोग गए थे, वहां पर उनकी झड़प हो गई, पुलिस टीम को लौटा दिया गया। अगर यहां पर गोदी मीडिया को उसको चिरपरिचित एंगल मिल जाता, यानी कि जुम्मन मियां कहीं नजर आ जाते, तो इस समय देश में इसी को लेकर हाहाकार मचाने की कोशिश की जाती। फिर से आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोगों की जो दुर्दशा है उसके लिए यह सरकार तो जिम्मेदार है ही, साथ ही सबसे बड़ी गुनहगार और जिम्मेदार ये गोदी मीडिया है, क्योंकि आप लोगों का सच, आप लोगों का ठुकना पिटना लुटना ये लोगों के सामने आने ही नहीं देती है, बल्कि मुद्दे को डाइवर्ट कर देती है और यह दिखाती है कि देखिए इतनी ट्रेनें आ गईं, इतने लोग आ गए। मुझे सूरत से कुछ दिन पहले एक मजदूर का फोन आया था, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए मैं आरोप नहीं लगा पा रहा था कि गुजरात में मजदूरों से इस तरीके से पैसे लेने का भी खेल चल रहा था। लेकिन अब आपके सामने सबूत है, मजदूर को बुरी तरीके से पीटा गया है, वीडियो भी सामने है। ये देखने के बाद भी अगर आपकी आत्मा नहीं पसीजती है और मजदूरों को लेकर के आप सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा करते हैं, तो माफ करिएगा, आप इंसान कहलाने के हकदार नहीं हैं। यह भी सोचने की बात है कि अगर इस तरह का झुंझुना किसी ने छोड़ा है, किसी चिलुए ने, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं खिचड़ी पक रही होगी। इसलिए हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है, इस संविधान को बचाए रखने के लिए, लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए हम सब जागरूक रहें, सजग रहें, और जहां कहीं भी सरकार की कोई गलत नीति आती है, लोकतंत्र को खत्म करने की बात आती है, संवैधानिक सिस्टम को तहस नहस करने की बात आती है, पुरजोर तरीके से विरोध करें, क्योंकि यही एकमात्र हमारे पास विकल्प रह गया है कि हम संवैधानिक दायरे में रह करके सरकार को यह जरूर बताएं कि हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक सजग बने रहिए, लोगों को करते रहिए,
जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है।